न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। हरिद्वार के बहादुराबाद विकासखंड परिसर में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान जनमन योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के अलावा कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक आदेश चौहान समेत अन्य भाजपा नेता कार्यकर्ता जिले के आलाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री को ऑनलाइन सुना। कार्यक्रम में मौजूदा लोग कई लोगों को सरकार की योजनाओं, चेक और प्रमाण पत्र भी दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ पिछड़े आदिवासी क्षेत्र के हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है, जिसके चलते देश आज मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है। साथ ही प्रदेश की धामी सरकार भी सरकारी योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने में बेहतर प्रयास कर रही है। और गैस के चूल्हे मिले हैं और आयुष्मान जो कार्ड मिले हैं, तो ये बहुत अच्छी योजना है। और ये जो हमारे जनजाति के लोग हैं और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको मिल रहा है। जो उनके आवास के लिए पहली किस्त जो है वो जारी की गई है। पिछले 2 महीने तक काम चल रहा है, जिसमें पूरा सर्वे हुआ है, कौन कौन लाभार्थी है, किसको क्या मिलना है, सारा हमारे अधिकारियों ने काम किया है। अब धीरे धीरे जो है उनको सारे लाभ जो है जो मिलने चाहिए जैसे मुख्य धारा के अंदर मिल रहे हैं, वो उनको मिलने शुरू हो जाएंगे। बस उन ग्रामों का क्या विकास होना। रुद्रप्रयाग मुख्यालय में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी है। रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन द्वारा जेसीबी से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशों के क्रम में जिलाधिकारी के निर्देशों का पालन करते हुए जनपद में जगह जगह अवैध अतिक्रमण को हटाने के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्यालय स्थित बिमनी पुल के समीप बने 2 दुकानों पर तहसील प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन द्वारा संयुक्त अभियान के दौरान जेसीबी चलाकर ध्वस्तीकरण किया गया, जबकि शहर में अन्य जगह पर भी चिन्हित अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता और नगर पालिका सभासद सुरेंद्र रावत ने कहा कि अतिक्रमण हटाना चाहिए, मगर जिन गरीब लोगों की दुकानें हटाई जा रही हैं, उनके रोजगार को देखते हुए उन्हें सुरक्षित जगह पर दुकानें लगाने की अनुमति भी दी जाए। अतिक्रमण हटाने आए तहसीलदार रामकिशोर ध्यानी ने कहा कि रुद्रप्रयाग में लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। जहां भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है, उसे हटाया जा रहा है। देखिए, सर्वप्रथम मैं तो यही कहना चाहूँगा, जहाँ अगर अतिक्रमण है तो हटना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमको देखना पड़ेगा जिस प्रकार से जो रेड़ी वाले या ठेली वाले हैं, उनको हमारा कर्तव्य बनता है, उन पहले उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। तो जहाँ भी जगह खाली मिलती है, सबसे पहले उनको वहाँ पर रोजगार मिले, जिसकी दुकानें आज टूट रही हैं। मैं प्रशासन से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आपने अतिक्रमण के कारण इनकी दुकानें तोड़ी हैं, तो इनको दूसरी जगह बसावट दी जाए, ताकि इनके जो बाल बच्चे हैं, कहीं ना कहीं कई परिवार इस दुकान से चलते हैं लोगों के, तो मैं यही चाहूँगा कि इनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, उनको स्वरोजगार और रोजगार दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान के तहत जनपद पौड़ी के कोटद्वार विधानसभा जशोधरपुर गांव में बॉक्सर जनजाति के साथ वीडियो संवाद का आयोजन किया गया। 3 दिन पहले से जिला प्रशासन कोटद्वार, तहसील प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारी पीएम जनमन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे थे। पीएम जनमन कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद ने कार्यक्रम के संबोधन में बॉक्सर जनजाति को बुरा भला कहने पर लाभार्थी कार्यक्रम को छोड़ हंगामा करते हुए पड़ाव से बाहर आ गए। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों द्वारा मन से कहा गया कि आजादी के बाद से अब तक बॉक्सर जनजाति को मुख्य धारा से वंचित रखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने अपने संबोधन में कहा कि साल 2014 में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चहुमुखी विकास किया। गरीब असहाय जनजातियों के प्रधानमंत्री आवास की सुविधा पहुंचाई। लोग फिर आवास योजना को इंदिरा गांधी आवास के नाम से ही संबोधित करते हैं। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने नगर निगम के सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें शहर की समस्याओं को सुनने के लिए पुलिस कप्तान अजय सिंह पहुंचे। शहरवासियों ने पुलिस कप्तान को बताया कि शहर में मुख्य रूप से ट्रैफिक, पार्किंग अतिक्रमण और बढ़ता नशा का कारोबार लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। युवा वर्ग के साथ छोटे छोटे बच्चे नशे के कारोबार में संलिप्त हैं और वो खुद भी नशा करने में लगे हैं, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। लोगों ने शहर की कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए पुलिस फोर्स की कमी होने का जिक्र भी पुलिस कप्तान से किया। समस्याओं को सुनने के बाद पुलिस कप्तान अजय सिंह ने कहा कि शहर की जो भी समस्याएं पुलिस से संबंधित उनके सामने आई है, उनके समाधान के लिए वो हर हफ्ते ऋषिकेश में एक बार निरीक्षण करेंगे। एसपी दिहात सहित तमाम अधीनस्थ अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशित भी किया गया है।
मेन जो मैंने देखा जनसंवाद की जरूरत इसलिए पड़ती है कि ऋषिकेश में जिस तरह से टूरिस्ट आते हैं, जो यहाँ पर लोकल लोग जितने भी आते हैं यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में आते हैं, चाहे कोई पर्व हो उसमें और भी संख्या में आते हैं। खासकर जो मैंने देखा कि यहाँ यातायात की समस्या, चाहे वो लोकल यातायात के लोगों को दिक्कतें होती है, टूरिस्ट को होती है, साथ ही साथ अस्थायी रूप से थोड़ा अतिक्रमण भी काफ़ी बढ़ा है जिससे दिक्कत आ रही है। और जो एक नशे का दिख रहा है कि टूरिस्ट आते कहीं कहीं गलत लोग भी आ जाते हैं उसमें। और अब खबर कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र से, जहां सफीपुर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब गोलगप्पे फ्री में खिलाने से मना करने पर दबंगों ने पिटाई कर दी, जिससे दुकानदार प्रेमचंद की मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, मामले की छानबीन शुरू कर दी। जानकारी मिली है कि प्रेमचंद निषाद नाम के युवक कानपुर में गोलगप्पे की रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। रोज की तरह प्रेमचंद निषाद घर से गोलगप्पे की रेहड़ी लगाकर बेचने को निकला था, तभी क्षेत्र में रहने वाले दबंग धीरज कुमार, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के आवास के बगल में एक स्कूल में साफ सफाई का काम करता है, मृतक प्रेमचंद निषाद से फ्री में गोलगप्पे खिलाने के लिए बोला, जिस पर मृतक ने मना कर दिया, जिस पर आरोपी धीरज ने उस पर चार पांच साथियों को बुलाकर प्रेमचंद की जमकर पिटाई कर दी। क्षेत्र लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया, उसके बाद पिटाई से घायल प्रेमचंद ने घर वापस आकर नवाब बीती परिजनों को बताई और सोने चले गए। वहीं बेटे अनुज ने बताया कि सुबह जब जागाने गए तो पिता की मौत हो चुकी थी, परिजन आनन-फानन में अस्पताल लेकर गए लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधीक्षक श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा मकर संक्रांति के शुभ मौके पर कोतवाली चरखारी क्षेत्र के गुलमर्ग पर पुलिस जन चौपाल का आयोजन किया गया। जन चौपाल के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना चरखारी क्षेत्र के आमजन मानस संप्रभावित व्यक्तियों के साथ क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था पर परिचर्चा कर लोगों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा मौके पर मौजूदा क्षेत्राधिकारी चरखारी उमेश चंद और थाना अध्यक्ष चरखारी गणेश कुमार को उनकी समस्याओं पर ध्यान आकर्षण कराते हुए सभी की समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए निर्देश दिए गए। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनपद में धूमधाम से मनाए जा रहे मकर संक्रांति पर्व की स्थानीय लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई, पारंपरिक मिठाई खिला सभी का मुंह मीठा कराया गया। जन चौपाल के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा शीत ऋतु के दृष्टिगत असहाय बुजुर्गों को सर्दी से बचाव के लिए कम्बल का वितरण किया गया, उनकी सहायता के लिए हर संभव मदद किए जाने का भरोसा भी दिया गया। पूरी दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 3 लागू होने से एक बार फिर वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पूरी दिल्ली एनसीआर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल इंजन वाहनों को एक बार फिर प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके चलते साइबर सिटी गुरुग्राम में भी इन वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया। अगर कोई वाहन सड़कों पर रनिंग कंडीशन में नजर आता है तो वाहन का चालान नो एंट्री नियम के तहत गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस कर रही है। हालांकि वाहन चालकों की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग लोन पर गाड़ी लेकर चला रहे हैं और वो BS4 या फिर BS3 इंजन से चलती है, तो ऐसे में उन गाड़ियों की किश्त अभी भी बकाया है और अगर विभागीय आदेश अनुसार वो अपनी गाड़ियों को सड़कों पर नहीं दौड़ाएंगे तो महीने में अपनी किश्तों को कैसे भरेंगे, और अगर वो इन आदेशों की पालन नहीं करते तो सड़कों पर पुलिस चालान करेगी, तो आखिर वाहन चालक जाए तो जाए कहां। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा शुरुआत की गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने तंज कसा। बिजली मंत्री की माने तो राहुल गांधी ने चुनावों से पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है और एक है। 5 राज्यों में चुनावों में जनता ने कांग्रेस को सबक सिखा दिया। अब लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। अब न्याय उन्हें अपने लिए चाहिए या फिर लोगों के लिए, जनता इसका भी जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव में दे देगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज ऑल इंडिया के साथ। जहां मिलती है आपको